हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है एंटी कॉगुलेंट्स। आज हम जानेंगे कौन कौन से एंटीकॉगुलेंट्स को हम यूज करते हैं ब्लड बैंक के अंदर। तो सबसे पहले हम एंटीकॉगुलेंट का मतलब समझ लेते हैं। एंटीकॉगुलेंट का मतलब होता है, जो एंटीकॉगुलेंट है हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एंटी और कॉगुलेंट्स। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और कॉगुलेंट जो वर्ड है वो आया है हमारा क्लॉटिंग से। ठीक है, क्लॉटिंग मतलब ब्लड का जमने को हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग बोलते हैं। तो उनके जो खिलाफ काम करेगा ऐसा केमिकल, यानी कि ऐसा केमिकल जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी कॉगुलेंट्स। अब हम देखते हैं एंटी कॉगुलेंट जो हम ब्लड बैंक में यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको चॉइस करने का, ठीक है, उसको चूज करने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा जो एंटी कॉगुलेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, इट शुड प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग विद मिनिमम क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारा एंटीकॉगुलेंट ब्लड को क्लॉटिंग से बचाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो एंटीकॉगुलेंट है वो हमको ज्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े, हमको कम से कम एंटीकॉगुलेंट इस्तेमाल करना पड़े ब्लड को आपको क्लॉटिंग से बचाने के लिए। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ठीक है, तो हमारा जो एंटीकॉगुलेंट कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। रेसिपिएंट की बॉडी में जब हम ब्लड डालें, ठीक है, जब ब्लड बैग से ब्लड निकल के पेशेंट की बॉडी में हम चढ़ाएं, तो आपका जो ब्लड है वो कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, पेशेंट की बॉडी में जाके कोई हार्मफुल इफेक्ट वो ना करे। ठीक है, तीसरा हमारा एंटीकॉगुलेंट का क्राइटेरिया क्या है, इट शुड प्रिजर्व ब्लड कंपोनेंट्स। ये क्या करना चाहिए, ब्लड कंपोनेंट्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए इसको, ताकि वो हमारे जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब क्या करें, अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाए। ठीक, और फोर्थ इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इट शुड इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कलेक्टेड ब्लड। हमारा जो ब्लड हमने कलेक्ट करा है डोनर से, उस ब्लड की स्टेबिलिटी जो है वो ये बढ़ा दे। ठीक है, यानी कि जो आपका ब्लड है वो आपका बेसिकली 35 से 40 दिन और ज्यादा 45 डेज, ठीक है, अगर हम उसको डीप फ्रीज में रखें तो ज्यादा एक एक साल दो साल तक आपका जो एंटीकॉगुलेंट है उसको प्रिजर्व करके रख पाए, ऐसा हमारा एंटीकॉगुलेंट होना चाहिए। तो ये सारे इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी भी एंटीकॉगुलेंट को यूज करते हैं, उसको चूज करते हैं ब्लड बैंक में। आगे हम देखेंगे कि हम कौन कौन से एंटीकॉगुलेंट्स यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से एंटीकॉगुलेंट्स यूज करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एसीडी। एसीडी का मतलब होता है एसिड, सिट्रेट एंड डेक्स्ट्रोज। सेकंड एंटीकॉगुलेंट हम कौन से यूज करते हैं, सीपीडी। सीपीडी का मतलब होता है C4 सिट्रेट, पी से आता है हमारा फॉस्फेट, और डी से आता है हमारा क्या, हमारा डेक्स्ट्रोज। थर्ड नंबर का जो हमारा एंटीकॉगुलेंट है वो हमारा कौन सा है, सीपीडीए। सीपीडीए मतलब होता है, सीपीडी तो आपका बिल्कुल सेम होगा, सिट्रेट, फॉस्फेट और डेक्स्ट्रोज। और जो ए इधर ऐड हो रहा है इसका मतलब क्या है, एडिनिन। इसके बाद सीपीडीए के साथ साथ हम हमारे जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा एंटीकॉगुलेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं जिसको हमने क्या बोला, सैगम। सैगम मतलब होता है, SAGM मतलब होता है सलाइन, A4 एडिनिन, G4 ग्लूकोज और M4 मैनिटोल। ठीक है, तो इन सब की फुल फॉर्म्स आपको प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए। ठीक, साथ ही साथ एक और एंटीकॉगुलेंट हम यूज करते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा, हेपेरिन। ठीक है, जो हमने वाइल्स में भी देखा है, ग्रीन कलर की वाइल्स होती हैं उसमें आता है हमारा हेपेरिन। तो हेपेरिन भी हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन। तो हेपेरिन हम कब यूज करते हैं, ड्यूरिंग द ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। जब हम खुद को ही ब्लड, हमारा ब्लड चढ़ना होता है ड्यूरिंग द सर्जरी, तो हम क्या करते हैं, हेपेरिन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ न्यूनेट्स, जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, अगर उनको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे एज एंटीकॉगुलेंट, हेपेरिन यूज करेंगे, क्योंकि उनका जो लीवर है अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ होता कि वो इन एंटीकॉगुलेंट्स को झेल पाए। ठीक है, इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं, नेचुरल एंटीकॉगुलेंट जो है हमारा, हेपेरिन। ठीक, अब हम इन एंटीकॉगुलेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि इन सब का मतलब क्या है, ये जो एंटीकॉगुलेंट्स हैं हमारे, ये सिट्रेट लिखा है, फॉस्फेट लिखा है, डेक्स्ट्रोज, एडिनिन, ठीक है, ग्लूकोज, मैनिटोल, इन सब का मतलब क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्या काम आएगा हमारे ब्लड बैग के अंदर, ब्लड कंपोनेंट को किस तरह से प्रिजर्व करके रखेगा ये, तो ये हम
देखते हैं। अब हम देखते हैं सिट्रेट क्या काम करता है। सबसे पहले सिट्रेट जो है वो बाइंड करेगा कैल्शियम आयन के साथ, ठीक है। तो जो कैल्शियम आयन है वो हमारे ब्लड के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड जो है वो क्लॉट कर पाता है। अगर हम सिट्रेट हम यूज करेंगे तो क्या करेगा वो सिट्रेट, हमारा कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर लेगा और ब्लड को जमने से बचाएगा, उसको क्लॉट होने से बचाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट का क्या फंक्शन होता है, ये मेंटेन करेगा बफर, हमारा जो ब्लड है उसका पीएच, उसका जो बफर है वो मेंटेन करने का काम कौन करेगा, फॉस्फेट, ओके। थर्ड नंबर पे आता है हमारा डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, तो ये आरबीसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है हमारा एडेनिन। एडेनिन क्या करेगा, ये सिंथेसिस करवाएगा किसकी, एटीपी की, ताकि एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो सिंथेसिस कराने का काम एटीपी का कौन करेगा, एडेनिन, ठीक है। तो एडेनिन की जो एडेनिन है हमारा एटीपी में यूज होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एसएजीएम, सैगम। तो सैगम जो है वो क्या करता है, स्टोरेज को और भी ज्यादा बढ़ाता है, हमारी जो स्टोरेज की वायबिलिटी होती है उसको और भी ज्यादा इंक्रीज करवा देगा। अगर कोई एंटीबॉडी 35 डेज तक आपका प्रिजर्व करवा पा रहा है तो उसको बढ़ा के 42 डेज तक उसको प्रिजर्व ज्यादा टाइम तक करवा सकता है ब्लड को, ओके। तो ये हमारा काम करता है सैगम। सैगम में हमारा क्या क्या होता है, सलाइन, एडेनिन, ग्लूकोस और मैनिटॉल, ओके। सलाइन हमारा क्या करेगा, जो हमारे सेल्स की इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करेगा, ठीक। एडेनिन आपको पता ही है, एडेनिन क्या करवाएगा, सिंथेसिस करवाएगा, सेम। ग्लूकोस और जो मैनिटॉल है ये क्या करेंगे, हमारे हमारे जो आरबीसीज हैं उनको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, सैगम का होता है। तो ये सारे हमारे जो चीजें यूज हो रही हैं इन सबके फंक्शंस हैं, ओके। आगे हम देखते हैं इनकी क्वांटिटी हम कितनी कितनी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग एंटीकोगुलेंट के बेसिस पे, ठीक है। जो हमारा एसीडी है, सीपीडीए है, इन सब में कितना कितना क्या क्या डला होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें किन किन एंटीकोगुलेंट्स में कितने कितने अमाउंट में डली हुई है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसीडी के अंदर, आपको एक चीज बता दूं मैं, जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं सबकी क्वांटिटी किस में है, ग्राम में, ओके। सबकी क्वांटिटी किस में है, ग्राम में, ठीक है। तो एसीडी के अंदर सिट्रिक एसिड कितना डाला होता है, 8 ग्राम। ये सीपीडी के अंदर कितना डाला होता है, 3.2 ग्राम्स, और सीपीडी के अंदर भी 3.2 ग्राम्स, ओके। अब हम बात करते हैं सोडियम सिट्रेट की। तो सोडियम सिट्रेट आपका एसीडी के अंदर 22 ग्राम्स, सीपीडी के अंदर 26 ग्राम्स, और सीपीडीए के अंदर भी 26 ग्राम्स, ओके। फिर हमारा जो डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज हमारा एसीडी के अंदर कितना होता है, 24.6 ग्राम्स, सीपीडी के अंदर 25 ग्राम्स, और सीपीडी के अंदर 31 ग्राम्स, ओके। इसी के साथ लास्ट में सोडियम फॉस्फेट या फिर सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो वो हमारा कितना डाला होता है एसीडी के अंदर, वो डाला होता है हमारा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें फॉस्फेट तो है ही नहीं। और सीपीडी के अंदर 2.18 ग्राम, और सीपीडी के अंदर 2.22 ग्राम्स, ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो एंटीकोनिट्स हैं इनकी लाइफ क्या होती है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कितने कितने ब्लड को एंटीकोगुलेट करने के लिए कितना कितना सॉल्यूशन हमको चाहिए होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन कितने दिन के लिए कितने ब्लड को क्या कर सकता है, कितने दिन के लिए प्रिजर्व करके रख सकता है, ओके। तो देखते हैं जो एसीडी है वो 100 ml ब्लड को एंटीकोगुलेट करने के लिए कितना चाहिए होगा हमको, 15 ml, ओके। 15 ml हमको एसीडी सॉल्यूशन चाहिए होगा। सेम सीपीडी अगर हम एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे हैं तो 100 ml ब्लड को एंटीकोगुलेट करने के लिए हमको 14 ml सीपीडी चाहिए होगा, और अगर हम सीपीडीए यूज कर रहे हैं तो वो भी हमको 100 ml ब्लड को एंटीकोगुलेट करने के लिए 14 ml ही चाहिए होगा, ओके। ऐसे ही सेम 350 ml अगर हम ब्लड को एंटीकोगुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कितना सॉल्यूशन होगा एसीडी का, 52.5 ml, ओके। और सीपीडी कितना होगा, 49 ml, और सीपीडी ये कितना होगा, 49 ml, ठीक है। ये सेपरेट सेपरेट है, मिक्स मत कर देना,
ये एक बैग के अंदर सिर्फ एक ही एंटीकोगुलेंट पाया जाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे देखते हैं 450 ml। तो 450 ml ब्लड को एंटीकोगुलेट करने के लिए हमको कितना ml ACD चाहिए होगा? 67.5 ml। और अगर हम CPD यूज कर रहे हैं तो वो कितना चाहिए होगा? 63 ml। और CPDA अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारा कितना चाहिए होगा? 63 ml। ओके, हम देखते हैं कि ACD, CPD और CPDA कितने कितने दिन तक ब्लड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डेज हैं कि कितने दिन तक ये प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ACD कितने दिन तक प्रिजर्व करके रखेगा? 21 डेज तक। और CPD कितने दिन तक प्रिजर्व करके रखेगा? 28 डेज तक। और CPDA कितने दिन तक प्रिजर्व करके रखेगा? 35 डेज तक। ओके, और अगर हम CPDA के साथ SAGM वो हम मिक्स करके अगर हम उसको प्रिजर्व करके रखें तो इसकी लाइफ 35 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 42 डेज। ओके, तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी एंटीकॉगलेंट जो भी हम ब्लड बैंक में यूज करते हैं उसकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।